मिस कॉल पर नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, वो नंबर है 0407101-2014। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार से जुड़ने के लिए इस नई स्कीम का इफ्तिताह ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सोमेश कुमार मेयर माजिद हुसैन के हाथों अमल में आया। मेयर माजिद हुसैन ने खिताब के दौरान कहा कि इस नई स्कीम से काफ़ी फ़ायदा नौजवानों को पहुंचेगा। इस मौके पर कमिश्नर सोमेश कुमार, मेयर माजिद हुसैन, डिप्टी मेयर के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। We'll be right back.
किसी ने लॉन्च की है। जीएचएमसी ने जो आप जो जीएचएमसी में हमने वादे किए थे आपके सामने किस किस्म से हम एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाएंगे, किस किस्म से अनएम्प्लॉयड यूथ को हम नया नया प्लेटफॉर्म देंगे, वो आज आप हाथ उसमें से एक आज एक हिस्सा हम एक लॉन्च कर रहे हैं। एक आईटी फील्ड को हम इसका इस्तेमाल करते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को एक सहारा मिल सके। आप मुझे बताइए क्या हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पे एक मिस कॉल पे आपका नाम रजिस्टर हो सकता है? बिल्कुल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हिंदुस्तान में एक वाहिद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पे आप सिर्फ एक मिस कॉल करेंगे तो आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा, आपके लिए कॉल आएगा ताकि आप आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए परसू कर सकें। हम इस किस्म से सोचते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और आईटी प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करते हुए शहरान हैदराबाद के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए हम मदद करते हैं। आईटी फील्ड में कई तरक्याती इकदाम जीएचएमसी ने लिए, आईटी को हमने बहुत आगे बढ़ाया, जीएचएमसी एक बेमिसाल मुकाम पर पहुँच चुकी है। अगर आप आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखूँ जीएचएमसी के, तो जीएचएमसी ने तमाम जो ऑनलाइन रजिस्टर जितना जो बर्थ सर्टिफिकेट्स थे जो 1990 से 2014 के जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट्स थे आज जीएचएमसी ने उसके ऑनलाइन डेटाबेस में रजिस्टर कर दी चुकी है। अब कोई भी डेटाबेस हमसे नहीं जाएगा। फिर हमने और एक इकदाम लिया जो हिंदुस्तान के कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं लिया। हमने ये इकदाम लिया कि हम देखते थे कि जो पेरेंट्स हैं जब अपने बच्चे का बर्थ होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बल्दिया के चक्कर मारा किया करते थे, तो हमने एक इकदाम लिया कि जो भी पेरेंट्स को जब भी एक बच्चा पैदा होगा जैसे वो हॉस्पिटल में उसको रजिस्टर कराएंगे 24 घंटे में उसके घर पर बर्थ सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें मेरी मुबारकबाद दी जाएगी, कमिश्नर साहब की मुबारकबाद दी जाएगी। उस पर हम 15 साल तक बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रखते हैं और उसके साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट भी हमने दिया ताकि वालदेन को जीएचएमसी के तौर पे याद दिला दे सके कि कल आपके बच्चे को टीका लगाना है और आप याद से अपने बच्चे को टीका लगाएं। जीएचएमसी ने कई किस्म से नए नए इकदाम किए, बिल कलेक्शन को हमने ऑनलाइन किया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को हमने ऑनलाइन किया। जीएचएमसी ने 24/7 इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर लॉन्च किया ताकि शहरान हैदराबाद के ग्रीवेंसेस को समझ सके और उसको हल कर सके। ये पहला कॉल सेंटर है जिसमें हायरार्की मौजूद है, अगर लोअर लेवल स्टाफ उसको रिजॉल्व नहीं करता है तो वो कंप्लेन एस्केलेट होते हुए कमिश्नर जीएचएमसी तक जाती है। सोचिए जब आपकी कंप्लेन कमिश्नर जीएचएमसी तक एस्केलेट हो जाएगी तो किस किस्म से ग्रीवेंस रिजॉल्व होगा। आगे इस इकदाम को मैं यहाँ पे टर के सिर्फ आपके सामने बात नहीं कर रहा हूँ, इस इकदाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट टू सिटीजन का हमें अवार्ड हासिल हुआ। जीएचएमसी को 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G2C का अवार्ड देते हुए हमारे इकदाम को अप्रिशिएट किया। इस किस्म से हम आपके दरमियान में काम कर रहे हैं। अब मैं तमाम जीएचएमसी कमिश्नर, डिप्टी मेयर साहब और तमाम ऑफिशियल इलेक्टेड बॉडी को मुबारकबाद देता हूं कि एक यूनिक स्कीम हमने स्टार्ट की है जहां पे अनएम्प्लॉयड यूथ को एक मिस कॉल के जरिए उनके तरफ एम्प्लॉयमेंट हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस इकदाम को हम बस स्टार्ट कर रहे हैं पायलट बेसिस पे। मैं टाइम्स को भी मैं रिक्वेस्ट